लुधियाना में रैली के बाद चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार। केजरीवाल को लेकर कुमार विश्वास के बयान पर बोले गहलोत, अगर खुद को साफ सुथरा मानते हैं केजरीवाल तो करना चाहिए खंडन। संत रविदास को याद करते हुए सीतापुर में पीएम ने शुरू की रैली, कहा मैंने गरीबी को जिया है, दलितों और निर्धनों के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। पठानकोट में आपको बताया कांग्रेस की फोटोकॉपी। चुनावी मौसम में दलित वोट के लिए आस्था की डोर, दिल्ली के संत रविदास मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, योगी ने भी की पूजा अर्चना। वाराणसी में लंगर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का लंच। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम चन्नी के बाहरी वाले बयान पर हंगामा, बीजेपी ब्रिगेड ने की चौतरफा घेराबंदी। अनुराग ठाकुर का बयान, चन्नी बोल रहे थे प्रियंका हंस रही थी, अब किस मुंह से यूपी में मांगेंगी वोट। तीसरे चरण से पहले यूपी में चुनाव प्रचार का बड़ा शोर, योगी बोले समाजवादी नहीं तमंचावादी पार्टी है सपा, सिर्फ अपने परिवार का किया विकास। अखिलेश यादव ने मोदी और योगी पर साधा निशाना, कहा जनता ने ठाना है इस बार बीजेपी को भगाना है। रूस के दावे के बाद भी महायुद्ध की आशंका को लेकर तनाव, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय पर हुआ साइबर अटैक। नाटो का बयान, रूस के नरम पड़ने के नहीं मिले सबूत। उन्नीस फरवरी को जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन, रीट पर आक्रामक हो रही बीजेपी के खिलाफ बनेगी रणनीति। डोटासरा ने बीजेपी के प्रदर्शन पर खड़े किए सवाल, कहा बेरोजगारों के खिलाफ रचा जा रहा षड्यंत्र। रीट पेपर लीक मामले में किरोड़ी मीणा ने फिर सौंपे सबूत, एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ से मुलाकात के बाद बोले पेन ड्राइव में दो बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम और सबूत। जयपुर पुलिस की मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, आनंद पाल गैंग से जुड़े पांच शातिर बदमाश गिरफ्तार, गैंगस्टर राजू ठेठ को मारने की फिराक में थे बदमाश। आज से कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू, सभी पाबंदियां हटी, शादियों और कार्यक्रमों में लोगों के शामिल होने पर भी शर्तें हटी, कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल भी खुले।